नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आपका फिर से स्वागत है। और चौथे राउंड की मतगणना अब हो चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो टोटल जो वोट्स गिने जा चुके हैं चौथे राउंड के बाद, मैं आपको बताऊं तो चार राउंड का मिलाकर 20,221 के करीब ये मतगणना हो चुकी है। और चौथे राउंड में 6,417 वोट गिने जा चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने फिर से बढ़त बनाई है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी के बलदेव राज श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2,317 वोट उन्होंने चौथे राउंड में लिए हुए हैं। और इंडिपेंडेंट जुगल किशोर शर्मा ने 2,005 वोट चौथे राउंड में लिए हैं। कांग्रेस NC अलायंस के कैंडिडेट भूपिंदर सिंह जम्वाल ने 1,295 वोट चौथे राउंड में लिए हुए हैं। PDP के प्रताप शर्मा ने 27 वोट चौथे राउंड में लिए हुए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्याम सिंह, इन्होंने 635 वोट चौथे राउंड में लिए हुए हैं। इंडिपेंडेंट राजकुमार जो हैं उन्होंने 58 वोट चौथे राउंड में लिए हुए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसीलाल, इन्होंने 35 वोट चौथे राउंड में लिए हुए हैं। और नोटा यानी नन ऑफ द अबव को 45 लोगों ने वो बटन दबाया है चौथे राउंड की अगर मैं बात करूँ तो। टोटल अभी जो वोट चार राउंड के मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो 20,221 के करीब वोट गिने जा चुके हैं। और चौथे राउंड की बात करूं तो 6,417 वोट इस राउंड में गिने जा चुके हैं। और टोटल अगर मैं बीजेपी के कैंडिडेट बलदेव राज शर्मा जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं तो उन्होंने तकरीबन 1600 की बढ़त चार राउंड्स के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना दी है। और उनके साथ जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं वो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा। और अभी चार राउंड्स की मतगणना और बाकी है। आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ।